नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी विदेसी चटकारे में। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट वेज हैदराबादी बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी तैयारी। एक कुकर लीजिए जिसके अंदर तेल और घी 2 चम्मच गरम कीजिए। उसमें शाही जीरा डालिए, एक चुटकी हींग डालिए, उसमें तेज पत्ता, तज, लौंग, काली मिर्च और चक्री फूल डालिए। तेल में गरम करने से, तेल और घी के अंदर ये गरम मसाला गरम करने से उसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। हमने पालक, धनिया और मिंट की चटनी की है, वो पेस्ट हमने इसमें डाली है। और आप तीखा चाहते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसमें हम कैप्सिकम डाल दीजिए, अब गाजर ले लिए थोड़ा, एक छोटा गाजर काट कर डाल दिया है हमने, थोड़े से मटर डालिए, इसके साथ हम डालेंगे बीन्स, फ्रेंच बीन्स आती है जो मीडियम साइज में कट की हुई, सबको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके हम इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। देखिए कैसा लग रहा है ये, दिखने में एकदम हरा भरा। हमारी बिरयानी एकदम ग्रीन कलर की होगी, हरे रंग की, तो पालक इसका कलर और बढ़ाएगा। अब उस थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, 1 चम्मच जितनी छोटी वाली, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स कर दीजिए इसे, ये थोड़ा सा पकने दीजिए। देखिए कैसा मस्त कलर हो चुका है इसका। ये लीजिए, हमने डाल दिया अदरक और लहसुन की पेस्ट, इसे मिक्स करके पकने देंगे हम। जब तक हमारी लहसुन और अदरक की पेस्ट पक ना जाए, अब हमने 15 से 20 मिनट तक ये चावल भिगो के रखे थे, ये बासमती चावल लिए हमने, वो हम डाल देंगे इसमें। भिगोने से ये थोड़े बढ़ जाते हैं साइज में, जिसे पकने में आसानी हो जाती है और ये और लंबे होते हैं। इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा इसे पकने दीजिए, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट जितना। इसमें 2 ग्लास पानी डाल दीजिए, ये एक गया और अब ये दूसरा जाएगा। ये बहुत से झटपट बन जाती है, 15 मिनट लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई मेहमान अगर घर पे आए तो झटपट ये बना दीजिए। अब इसमें हम थोड़ी बिरयानी मसाला डाल देंगे, या आप नॉर्मल गरम मसाला भी डाल सकते हैं। उसके अंदर हल्का सा हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसे हम उबाल आने देंगे। देखिए हल्का सा उबाल आ चुका है, इसे और उबालेंगे थोड़ा, 2 मिनट जितना है। देखिए पूरी तरीके से उबलने लगा है ये। अब इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, बस कुकर को ढक दीजिए और आपकी बिरयानी 2 विसल के बाद तैयार हो जाएगी। तो बस यही करना है, इतना इतनी आसान है नहीं ये कि आप झटपट से बनाकर खा सकते हैं। तो ये लीजिए, रेडी हो गई हमारी हैदराबादी बिरयानी। एंजॉय करिए आप, अच्छे से खाइए, बहुत टेस्टी बनेगी। और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।